नमो नारायण श्रद्धालुओं, मैं हूं महामंडलेश्वर ब्रह्मांडपुरी। आज हम बात करेंगे यज्ञ की, अग्निहोत्र की और सन्यासी परंपरा से धुनी साधना की। आज हम अपनी जगह पर खड़े हैं, ऐसे लोग केदार बद्री हिमाचल की गुफाओं में जाते हैं। आज हम आपको परिचय कराते हैं ये यज्ञ जिसने मुझे सर्वस्व दिया। लोग कहते हैं अतीत को भूलना नहीं चाहिए, अतीत को स्मरण करना चाहिए। आज से 19 वर्ष पहले 20 साल के लगभग हो गया जब मैं इस क्षेत्र में आया। ना मेरे पास धन था, ना कपड़ा था, ना खाना था, कुछ भी नहीं था। दुनिया के लोगों से मांगते हैं, भक्तों से अरदास चिताते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन मैंने निर्णय लिया, हे परमात्मा शिव, अगर आज मैं शिव उपासक सन्यासी तेरे नाम पे वस्त्र धारण किया है तो जो तू देगा तो खाएंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। आप और समझना है कि आपके जीवन के हर समस्या का समाधान मात्र यज्ञ है। यज्ञ से आपने वेदों में पढ़ा है, आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा है, एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ का चौथा पन आया, कान के नीचे के बाल सफेद होना यानी चौथेपन का संकेत होता है। उन्हें पुत्र नहीं था, उन्हें पुत्र की प्राप्ति करनी थी। ऐसी हालात में उन्हें कोई और मार्ग नहीं दिखाई पड़ा और गुरु वशिष्ठ के द्वार पर जाकर पहुंचे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बोलो दशरथ, क्या पीड़ा है, क्या वेदना है? दशरथ ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में पुत्र नहीं है। ये राज, ये पाठ, ये साम्राज्य मात्र एक पुत्र के बिना अधूरा है। महाराज वशिष्ठ ने कहा, कोई नहीं, चिंता करो तो शरीर जलेगा, चिता से बढ़कर चिंता होती है, और अगर चिंता करो तो और विनाश की ओर जाते हो, और जब हरि नाम का चिंतन करते हो तो आपके जीवन में हर तरीके से सुखद आनंद की अनुभूति करते हो, नित नव मंगल कार्य होने लगते हैं। वशिष्ठ जी ने उनकी वेदनाओं को जाना, सुना और समझा। पुनः श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कर। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ ने बुलाया, पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया। वहां से यज्ञ नारायण प्रकट हुए। उस हव्य को पान करने से, स्वाद लेने से, आहार में देने से, खाने से भगवान राम का प्राकट्य हुआ। तो मेरे मित्रों, अगर यज्ञ से दशरथ को राम मिल सकते हैं तो आपके काम भला क्यों नहीं बन सकते? यज्ञ कर्ता के भाव पे निर्भर है। ध्यान दें, यज्ञ मित्र और यज्ञ शत्रु भी है। यही यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने किया तो राम का जन्म हुआ, यही यज्ञ रावण ने किया तो विध्वंस करा लिया, यही यज्ञ जब दुर्वासा ने कराया तो प्रजापति का विनाश करवा लिया। यज्ञ मित्र भी है और यज्ञ शत्रु भी है। अगर यज्ञ का उद्देश्य सही नहीं है तो आपके शत्रु के जैसा काम करता है। यज्ञ की विधि के बारे में हम विशेष रूप से अगर आपसे चर्चा करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। आजकल श्रीमद् भागवत कथा पर ज्यादा आप लोग ध्यान देते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता आते हैं और आपको बताते हैं यज्ञ के भेद। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और यज्ञ। मित्रों, यज्ञ यज धातु से निर्मित है। यज्ञ करने के लिए प्राण की वेदी, हृदय की संविधा, ज्ञान की अग्नि को जला करके मनोविकृतियों की जब आहुति दी जाती है तब यज्ञ संपूर्ण होता है, अन्यथा घृत और सामग्री फूंकते रहें, यज्ञ का कोई अभिप्राय नहीं होता है। हम कहते हैं स्वाहा, यानी स्वा यानी मैं, हुंकार देकर स्वीकार करता हूं, आज से मैं मेरे मनोविकृतियों की आहुति देता हूं और सदैव सनातन की रीति से लेकर परमार्थ में जाने का संकल्प लेता हूं। यह है यज्ञ। यज्ञ खाली
द्रव्य यज्ञ की बात करते हैं, आप यज्ञ में नहीं जा सकते, आप धन धान्य से सहयोग कर देते हैं, कहते हमारे लिए आप यज्ञ कर लीजिए, उसे द्रव्य यज्ञ कहा गया। संतों ने तपस्या किया है, तप करके अपने आप को मिटा दिया। उदाहरण है महाराजा महर्षि दधीच ने अपने शरीर की अस्थियां तक दान कर दिया था अस्त्र शस्त्र में। विश्वामित्र ने तप किया, याज्ञवल्क्य ने तप किया, मुचकंद ऋषि ने तप किया, इन लोगों को कहा गया है तप यज्ञ। तप यज्ञ की भावना रही है। ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं, जैसे हम श्री भागवत कथा करते हैं, राम का कथा करते हैं, श्री रामचरित मानस का पाठ करते हैं, शिव पुराण करते हैं, इन्हें हम ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला में जोड़ते हैं। लाभ मूलतः सबसे बड़ा जो यज्ञ होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। नर सेवा नारायण सेवा से बढ़ करके कोई यज्ञ नहीं है। और अगर कोई बात करता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, पाप क्या है और धर्म क्या है, तो मानस में गोस्वामी जी ने सुंदर शब्दों में लिखा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं और निराकरण किसी को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। अगर आपने नहीं यज्ञ कर पाते हैं, नहीं आहुतियां दे पाते हैं, लेकिन अगर आपने किसी असहाय गरीब कन्या पे लोगों की कुदृष्टि है, वो उसका शिकार बन रही है, आपने उस कन्या का अगर विवाह कराया तो ये यज्ञ से बढ़कर के। अगर किसी का पार्थिव पड़ा हुआ है, अंतिम संस्कार के लिए उसके पास धन नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, आपने उसका अंत्येष्टि कराया तो ये यज्ञ से बढ़कर के। अगर कोई बच्चा है जिसे शिक्षा का अभाव है, आपने उसके लिए शिक्षा का दान किया तो आपके लिए एक यज्ञ से बढ़कर है। अगर कोई कुमार्गामी बन गया है, उसकी दशा दिशा जीवन की बिगड़ गई है, आपने उसको अपने सानिध्य में लेकर के कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग पथ पे चला दिया, नर से नारायण बना दिया, तो वो भी आपके लिए यज्ञ से बढ़कर है। कहने का श्रेय है कि बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ कोई भी निष्काम कार्य यज्ञ के बराबर है, उसे हम यज्ञ के ही महत्वता कराएंगे। अग्नि को हमारे सनातन की रीति में भगवान का मुख कहा गया है। हम अग्नि में जो भी आहुतियां देते हैं वो सीधे परमात्मा को स्वीकार होती है। बहुत सालों पहले कुछ अंधश्रद्धा के लोग हमारे पास है, उन्होंने कहा महाराज जी आप 20 साल से इस धुने को जला रहे हो, आपका यह अखंड धुना जल रहा है, अगर हम रोज इसमें 5 किलो लकड़ी और 2 किलो घृत भी डालते हैं तो आप संकलन करिए कितना होता है, लगभग 60,000 से ज्यादा दिन होते हैं। और इतने दिनों में स्वामी जी अगर आंकलन करें तो कितनी लकड़ी जल गई होगी, कितने घृत जल गए होंगे, ये गलत है। क्यों गलत है भैया? सनातन की रीति है, हमारी आस्था है, हम कैसे भी प्रस्तुत करें, हमारे लिए आपका क्या रोक टोक है। उन्होंने कहा नहीं, हमको साइंटिफिक रिजल्ट चाहिए, यही धुना है, ये ऊपर के सेट बाद में अभी 2 साल से बने तब ये खुला हुआ धुना था, कितनी भी बरसात हुई कभी इस धुने की अग्नि शांत नहीं हुई, कितने भी तूफान आए इस धुने की अग्नि कभी बंद नहीं हुई, और आज मेरे जीवन में सर्वस्व देने वाला यही यज्ञ कुंड है जिसने एक कंकर को शंकर बना दिया। जिसके पास खाने की स्वयं की रोटी नहीं थी, जिसके पास पहनने के लिए स्वयं के वस्त्र नहीं थे, जिसके पास रहने की छत नहीं थी, वाह मेरे ठाकुर क्या महिमा रचाई, आज वो हजारों को भोजन कराता है, इसलिए देने वाला ये यही यज्ञ है। इसलिए कहा गया कि देनहार कोई और है, जो देवे दिन रैन, जो जो कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन, उस परमात्मा का आभार प्रकट किया जाता है। अंधश्रद्धा के लोगों ने हमसे बड़ा विमुख सवाल किया, महाराज इसका साइंटिफिक रीजन मिला, बैठिए आपको हम दिखाते हैं साइंटिफिक रीजन। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा कोबरा पॉइजन होगा वो लेकर आना और हमारे यज्ञ कुंड से 100 मीटर दूर रख देना, और जब मैं यज्ञ पूर्ण करके उठता हूं इसके बाद ले जा करके इसको चेक कर लेना, अगर इसमें पॉइजन का अंश मिल जाए तो मेरा यज्ञ करना अंधश्रद्धा है, मेरे यज्ञ से कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, और अगर इससे वो न्यूट्रल हो जाता है तो हमारे यज्ञ के भागी आपको भी बनना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ,
उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किए और हमने इसको किया। मित्रों आप एहसास नहीं कर पाओगे, सिर्फ 2.25 घंटे के यज्ञ के बाद वो दुनिया का महंगा कोबरा पॉइजन पानी के जैसा न्यूट्रल हो गया, यानी उससे पॉइजन की पूरी क्षमता खत्म हो गई। ये हमारे यज्ञ का साइंटिफिक रीजन है। जहां भी हम यज्ञ करते हैं वहां पर पॉजिटिव एनर्जीज होती है। अगर आपको याद है हमारे पहाड़ों में हमने जहां तपस्याएं की, जहां भी गए लोग कहते थे अगर आपने अग्नि जला कर रखी है तो शेर भी आपकी तरफ आक्रमण नहीं कर सकता, उसे भी अग्नि से भय होती है। हम आपको बताना चाहते हैं यज्ञ के महत्व। यज्ञ में वो क्षमता है जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन की रीति में वैदिक परंपराओं में सदैव हर व्यक्ति की हर इच्छा की प्राप्ति यज्ञ से हुई है। इस जगह पे हम 10 महाविद्या की साधना करते हैं। हमसे कुछ लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आपने हाथ में डायमंड पहना है, स्वामी जी आपने गले में स्फटिक धारण किया है, इसका क्या मतलब है? मेरे मित्रों ये श्रृंगार नहीं है। सनातन का कोई वस्तु श्रृंगार नहीं है, उसका कहीं ना कहीं से साइंटिफिक रीजन जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन ने रिसर्च किया, मूर्ख, इस न्यूटन का बाप पैदा नहीं हुआ, इससे पहले हमारे संतों ने इस पर रिसर्च करके रखा है। विश्व के मानस पटल पर जितने भी रिसर्च हुए हैं वो सब ऋषियों से हुए हैं। अगर आपको देखा जाए हमारे महापुरुषों ने पहले किया है वायुगमन, हमारे महापुरुषों ने पहले किया है जलगमन, हमारे महापुरुषों ने पहले देखी है त्रिकाल दृष्टि, हमारे महापुरुषों ने पहले की है दया और अग्नि की वृष्टि, हमारे महापुरुषों ने बनाया है शब्द वेड़ी बाण। हमारे महापुरुषों के रिसर्च को ठुकराना ये सनातन के भुखमन, आप सनातन के विमुख बिल्कुल जाएंगे। आज हम यज्ञ के लाभ बताने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे आजकल हर घरों में यज्ञ हो रहा है, सहर से स्वीकारना चाहिए। और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि सनातन की रीति से लोग आ रहे हैं, पर थोड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि आज वो यज्ञ नहीं हो रहा है, यज्ञ का दुरुपयोग हो रहा है। अब आप इस पे थोड़ा अटपटा लगा होगा, स्वामी जी कैसे कह रहे हो, तो आप सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं और ध्यान केंद्रित करके सुनिएगा। वेदों की रीति से कहा गया है कि जहां पिंड है वहीं ब्रह्म है, और गोस्वामी जी ने पुष्टि भी किया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सदा सुख राशि। ब्रह्म भेद में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयात्म ब्रह्म परात्म ब्रह्म की परिभाषा को यूज किया गया है। अस्तु, हमारे हृदय में जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। हम जहां बैठते हैं वहां स्वच्छता रखते हैं, हम जहां पर खेलते हैं वहां पवित्रता रखते हैं, हम जहां पर सोते हैं वहां सुंदरता और शौर्यता रखते हैं। तो मेरे भाई अगर इसके अंदर जीवात्मा है तो हम मांसाहार खाते हैं। आपको याद है ओंकार नाद से जब भी ग्रास करते उसे उधर यज्ञ की उपमा दी जाती है, यानी आप उस यज्ञ का दुरुपयोग कर रहे हो। तमोगुणी भोजन कर करके इस जीवात्मा नपुंसक छोड़कर कोई जीव जाती ही नहीं है। जीव जीवाश्म जयंती की प्रक्रिया पढ़े तो 4 प्रकार को छोड़ करके कोई प्राणी ही नहीं है, कुछ स्वपोषी हैं तो कुछ परपोषी हैं। यज्ञ के लाभ की बात करेंगे तो हमारे महापुरुषों ने यह भी बताया है कि महर्षि दुर्वासा जी जब यज्ञ करते थे तो एक एक आहुतियों से सहस्त्र गण तैयार हुआ करते थे। यज्ञ हमारा पूरक है। हमारे साथ में हमारे लिए तो खास तौर से मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे हमारे लिए तो अग्नि की जरूरत है, आहुतियों की जरूरत है, यज्ञ की जरूरत है। जब तक हम यज्ञ नहीं करें हमारे मन को तसल्ली नहीं मिलती है, क्योंकि हमने इसके लाभ को जाना। जब हम यहाँ आए हमारे पास भोजन के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, ये धरती भी मेरी नहीं, यहाँ के लोग भी मेरे नहीं, लेकिन वाह रे यज्ञ नारायण तूने क्या लीला रचाई। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके घर में कुछ नहीं है, आप अपने घर के आंगन में पूजा के स्थान पे रोज सुबह कुछ नहीं है, चावल के दाने घृत से ही अपानाय स्वाहा उपानाय स्वाहा इस तरीके से 7 से 10 या 108 आहुतियां अपने इष्ट के नाम से जरूर डालें। जब आपके घर में अग्निहोत्र होगा आपके घर में कभी निगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी, आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपकी कभी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। और वेदों ने यही कहा है कि जिन घरों में अगर गाय के गोबर पर 1 चम्मच गाय का घी हम डालते हैं
तो एक सिलेंडर भर जाए उससे ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट होता है, ये साइंटिफिक रीजन है। अगर नहीं यकीन है तो आजमा लेना और नाप करके भी देख लेना। अगर आपके घरों में नित्य अग्निहोत्र होता है तो आपके घरों में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, आपके परिवार में मतभेद नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी वृत्ति सात्विक बन जाती है। इसलिए सदैव यज्ञ करें, ज्ञानी यज्ञ करें। आप बैठकर एक दूसरे जाति समाज को गालियां मत दें। आप क्या है, आप भूषण करें अपने आप पे, गर्व करें हम सनातनी हैं, गर्व करें हम सनातनी हैं। हमें अपने कीर्ति स्तंभ सनातन के हैं उन्हें याद कराएं, गौ गंगा गुरु गीता और गायत्री। हमारा सनातन प्रेमी अगर हर रोज गौ गंगा गुरु और गीता की बात करता रहेगा तो एक दिन आपको साधारणतया मैं बता दूं कि पूर्ण रूप से अगर आप गौ गंगा गायत्री की बात करेंगे तो आपको स्मरण होना चाहिए कि एक स्थिति में यही निवेदन रहेगा कि हमारा एक सनातन प्रेमी कुछ मत करे, सिर्फ 5 लोगों से रोज सनातन की बात करे, गौ की महिमा को बताए, गायत्री की महिमा को बताए, गीता की महिमा को बताए। अगर हमारे यहां से एक व्यक्ति ने 5 लोगों को बताया, हमारे देश में करोड़ों की संख्या में हमारे हिंदू है, करोड़ों की संख्या में हमारे सनातन प्रेमी है, यानी नित्य हम 5,000 करोड़ लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। भारत के 1.25 करोड़ लोगों की जनता की क्या बात करें। और अगर हमारे भारत में हर घर में यज्ञ की परंपरा जग जाए, हर घर में यज्ञ की परंपरा जगे, हर घर में गौ का ग्रास लगे, हर घर में पंचामृति का पान हो, मस्तक पे चंदन लगा जाए, तो हमारे राम का मंदिर भारत में क्या पाकिस्तान में भी बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। हमें अपने धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी की औकात नहीं, किसी की मजाल नहीं, जो सनातन की तरफ तिरछे नजर कर ले, अगर अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति आंखों में देख ले तो उसकी पलकें नीची हो जाती हैं। ये यज्ञ का प्रभाव है। विषय चंदन की करते हैं, चंदन लगाना भी कोई श्रृंगार नहीं है महाराज। जब हम मस्तक पे चंदन लगाते हैं तो भाव करते हैं चंदन का, कि जिस तरीके से चंदन के वृक्ष पर सदैव काले सर्पों का वास होता है लेकिन वो कभी शीतलता नहीं छोड़ता और उसके विष को जीवन में नहीं उतारता, उसी समय हम भाव करते हैं, ऐ प्रभु हमारे मस्तक पे ये चंदन लगाने से ऐसा भाव कर कि मेरे जीवन में सहनशीलता दीनता लघुता बनी रहे, क्योंकि प्रभु लघुता के बिना प्रभुता की प्राप्ति नहीं हुआ करती। और भाव करें कि जैसे वो सर्प के विष का अनुकरण चंदन नहीं करता, ऐसे समाज के विषयों का अनुकरण मुझ पे ना रहे, सदैव मेरी जीवात्मा पवित्र रहे। इसलिए वेदों ने भी लिखा, चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरतम नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अस्तु, चंदन लगाना महत्वपूर्ण है, पवित्र है, पापों का नाशक है, और जहां ऐसा होता है, नित्य मस्तक पे चंदन का वास होता है, वहां सदैव लक्ष्मी आपके हृदय में वास करती है, आपके घर में सुख समृद्धि देती है। इसलिए हर घर में यज्ञ होना चाहिए। कोई नहीं द्रव्य यज्ञ करें, तपो यज्ञ करें, ज्ञान यज्ञ करें, कुछ नहीं है, परमार्थ में जाकर के किसी असहाय गरीब की अगर सेवा करें तो वो भी यज्ञ है। यही मेरा निवेदन है। मैं ब्रह्मांडपुरी महामंडलेश्वर आज कंकर से शंकर जी की श्रृंखला में, जिसके जीवन में स्वयं के लिए वस्त्र अन्न की व्यवस्था नहीं थी, आज मुझे जो भी मिला है इस यज्ञ कुंड से ही मिला है। लोग अपने धुने का यज्ञ